हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सी पी शर्मा क्लासेस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हर्षे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। हर्षे एंड चेस एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं बैक्टेरियोफेज T2, और इसमें क्या होता है कि ट्रांसडक्शन होता है। जो बैक्टेरियोफेज है उसमें लिविंग करेक्टर होता है मल्टीप्लीकेशन का, राइट। बैक्टेरियोफेज की स्ट्रक्चर हम बताएं तो इसमें क्या होता है कि एक हेड होता है, प्रोटीन कोड होता है, कोर होता है, और डीएन न्यूक्लिक एसिड होता है, टेल होता है। इसमें जो आप देख रहे हैं यह है बैक्टेरियोफेज T2 की स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे इसके हर्षे और चेस के एक्सपेरिमेंट के बारे में। एडी हर्षे और एमजे चेस ने 1952 में जो वायरस, ये विषाणु टीटू भोजी पर प्रयोग किया, और इन्होंने जो रिजल्ट निकाला कि डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल है, तो इसके लिए इन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव सल्फर और रेडियो एक्टिव फास्फोरस के लिए। जो रेडियो एक्टिव सल्फर S35 है वो पाई जाती है ओनली प्रोटीन में, और जो फास्फोरस है 32 वो पाई जाती है ओनली डीएनए में। तो इसके आधार पर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि दो कल्चर बनाए। पहले सबसे पहले उसने क्या किया कि दो कल्चर बनाए। पहला कल्चर बनाया उन्होंने S35 का, और दूसरा कल्चर बनाया P32 का। जो सल्फर है वो ओनली प्रोटीन में पाया जाता है, और फास्फोरस है जो ओनली डीएनए में पाया जाता है। तो उन्होंने पहला कल्चर बनाया सल्फर S35 का, दूसरा बनाया फास्फोरस 32 का, और इस कल्चर में उसने डाल दिया इकोलाई। दूसरे कल्चर में भी उसने डाला इकोलाई। अब क्या किया उसने, इकोलाई डालने के बाद जो T2 फेज था अपने पास, बैक्टेरियोफेज T2, उसको इस मीडियम में कल्चर करवाया, और दूसरा T2 फेज वही दूसरे मीडियम में भी उसको कल्चर करवाया। तो अपने को क्या हुआ कि जो मीडियम, जो कल्चर मीडियम फर्स्ट था उससे जो T2 फेज प्राप्त हुआ वो S35 वाला प्राप्त हुआ, और जो दूसरा कल्चर मीडियम था जिससे हमारे को T2 फेज, जो बैक्टेरियोफेज T2 प्राप्त हुआ वो P32 वाला प्राप्त हुआ। अब हमारे को दो बैक्टेरियोफेज प्राप्त हो गए, पहला वाला बैक्टेरियोफेज S35 का और दूसरा वाला P32 का। अब इसके बाद उसने क्या किया कि जो S35 वाला बैक्टेरियोफेज था उसको लिया, और P32 वाला बैक्टेरियोफेज है उसको लिया। अब उसने क्या किया कि जो बैक्टेरियोफेज S35 वाला था उसको फ्रेश इकोलाई पे इंजेक्ट करवाया, मतलब फ्रेश इकोलाई के साथ रिएक्ट करवाया उसकी, और जो T2 P32 वाला था उसकी भी फ्रेश इकोलाई के साथ रिएक्शन करवाई उसने, मतलब उसके ऊपर डाला उसको। तो बैक्टेरियोफेज तो इकोलाई को संक्रमित करेगा। अब क्या किया कि वो उसको संक्रमित करा, तो ये आपका इकोलाई था, इस पे ये बैक्टेरियोफेज लगा दिया, डाल दिया गया, तो इसको संक्रमित कर दिया। इसके बाद क्या किया गया, इसका एजिटेशन, इसके बाद इसका एजिटेशन कर लिया गया। एजिटेशन किया, दोनों का एजिटेशन किया, और फिर क्या किया कि जो इकोलाई का था, एजिटेशन करने के बाद जो हमारे को कल्चर प्राप्त हुआ उसमें बैक्टेरियोफेज जो फेज वायरस थे वो तो होंगे, क्योंकि जो T2 फेज है इकोलाई के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर तो बैक्टेरियोफेज बनाएगा बाद में वो, क्योंकि अपना जो मटेरियल है कुछ भी डीएनए या कुछ भी है, हम हेरिडिटी मटेरियल है उसका, जो इसके अंदर तो जाएगा ना। अब हमने देखा कि T2 फेज जो S35 वाला था वो फेज इकोलाई में डाला गया, तो उसके साथ जो वायरस बने, फेज वायरस, वो क्या है कि रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं कर रहे थे। और तो जो दूसरा T2 फेज जो P32 वाला कल्चर वाला था उसमें जो फेज वायरस मिले वो क्या है कि रेडियो एक्टिविटी देखा रहे थे। इसका मतलब है
कि जो P32 है वो हेरिडिटी मटेरियल के साथ था, और जो S35 है वो हेरिडिटी मटेरियल के साथ नहीं है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो दूसरे में नहीं आया, संतति में नहीं आया। तो इससे क्या उन्होंने सिद्ध कर दिया कि DNA ही हेरिडिटी मटेरियल है। जीवाणु सेल को संक्रमित कराए T2 वो जिसे, और पाया कि केवल रेडियो एक्टिव P32 ही जीवाणु सेल के साथ संबंध था, किंतु S35 नहीं। इस प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हुआ कि जीवाणु सेल में केवल डीएनए ही प्रवेश करता है, न कि प्रोटीन। प्रोटीन आवरण परपोषी के बाहर ही रह जाता है, तथा डीएनए ही प्रवेश करने के बाद अपने समान नए भोजी कणों का संश्लेषण करता है। अब हम शॉर्ट में इसे एक डायग्राम से समझते हैं। यह आपका T2 जीवाणु भोजी का डायग्राम है, और ये चार्ट है, फ्लो चार्ट, जो पूरा जो एक्सपेरिमेंट है उस पर आधारित है, वही इसमें शॉर्ट तरीके से बनाया हुआ है। पहले क्या लेते हैं, T2 जीवाणु भोजी लेते हैं, और दो मीडियम बनाते हैं, एक P32 का और एक S35 का। अब इसको क्या करते हैं कि फेज एजर थ्रू इकोलाई विथ रेडियो एक्टिव मीडियम, तो फेज को और इकोलाई को रेडियो एक्टिव मीडियम में डाल लेते हैं। इसके बाद इससे फेज को निकाल लेते हैं, इस वाले फेज में S35 है और इस वाले में P32, ठीक है। फेज बिकम लेबल विथ P32 और S35, राइट। अब क्या करते हैं, एक फ्रेश इकोलाई लेते हैं, और फ्रेश इकोलाई में जो T2 बैक्टीरियोफेज है उसका इस फ्रेश इकोलाई में इन्फेक्शन करवाते हैं, राइट। अब इन्फेक्शन करवा दिया इसका, इसके बाद में क्या करते हैं, इन्फेक्शन होगा तो इसका जो हेरिडिटी मटेरियल है फेज का वो इसमें आएगा, और ये ज़्यादा बनेंगे, 1 से 2, 2 से 3 कुछ, राइट। तो अब क्या करेंगे, सेपरेशन ऑफ फेज, जो अपनी होस्ट सेल थी उससे जो फेज का सेपरेशन करते हैं, तो फेज का सेपरेशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, जो ये बैक्टीरियम प्राप्त होता है वह इन्फेक्टेड प्राप्त होता है। इसका मतलब इसमें P32 है जो रेडियो एक्टिव है। और दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे जो हमें फेज प्राप्त होता है वह S35 वाला, और जो यहाँ पे बैक्टीरियम प्राप्त होता है वो अनलेबल्ड, यानी जिसमें रेडियो एक्टिव नहीं है, राइट। इससे पता चलता है कि जो प्रोटीन वाला कोट है उसमें ही सल्फर रहा, इस कारण ही ये S35 दर्शा रहा है, राइट। और जो हेरिडिटी मटेरियल है वह डीएनए है, क्योंकि डीएनए के साथ P32 था, और यही एक ऑफ स्प्रिंग में जो आ रहा है वह हेरिडिटी मटेरियल ही आ रहा है, और ये रेडियो एक्टिव P32 आ रहा है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल। धन्यवाद दोस्तों।